तरीके से जानते रहे, मुस्कुराते रहे, आपकी जिंदगी में खुशी आती रहे और आप इसी तरीके से अपने चेहरे पे मुस्कान बरकरार रखें। तो चलते हैं मैच की शुरुआत करेंगे। मैच की शुरुआत होने जा रही है, कौन पहला ओवर लेके आएंगे गेंदबाज सलामी बल्लेबाज के रूप में अक्षय और सागर की जोड़ी रेलों के बीच में इस वक्त नजर आती है, सामना करने के लिए तैयार है। इसी बीच अक्षय पहली गेंद आक्रामक शो करने का प्रयास, गेंद काफी समय तक के हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, कोई चूक नहीं, खूबसूरत कैच न्यान ने लिया, पहली विकेट का बटन उल्टा हुआ और पहली सफलता रूपेश के हिस्से में आती हुई। बिल्कुल गुड बॉय केवनी देवा की पहली विकेट अक्षय के रूप में गिरी है। निखिल जी ठाकुर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि निखिल सर आइए, आपको स्टेज की शोभा बढ़ानी है। निखिल जी ठाकुर सर आपका भी हार्दिक स्वागत है, सुस्वागत है। न्यू बैट्समैन प्लीज बी फास्ट। इस बार आने वाले से खेलने का प्रयास, गेंद आदि हुई डीप मिडम के क्षेत्र में, कहा फील्डिंग का प्रदर्शन नंदू द्वारा, लेकिन यहां पर रन की अगर बात करें तो रन संख्या इस वक्त दर्शाती हुई जहां पहुंची है लगभग 2 रनों पर। रमेश पाटिल माने श्री सतीश जी पाटिल सर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपको वीआईपी डैश की शोभा बढ़ानी है, सतीश पाटिल सर आइए। अगली गेंद लेकर तैयार रोकेश, इस बार बैट का मोटा किनारा, कीपर जो कि मौजूद है उनसे गलती जरूर हुई है लेकिन एक रन जरूर मिलेगा, एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त और जा पहुंचा है लगभग 3 रनों पर। बिल्कुल अगर गुड बॉय केवनी दीवा अगर इस मैच को जीतती है तो रमेश पाटिल साहब और प्रवीण पाटिल साहब केवनी दीवा के जो रहीवासी हैं उनकी तरफ से एक पकड़ा आपको जरूर दिया जाएगा। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद आती हुई टॉप कॉर्नर के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, खूबसूरत बैटिंग, सुंदर शत्रु लेकिन एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। प्रदीप पाटिल सर आपको स्टेज पर आना है, मनीष पाटिल सर आप भी आइए प्लीज स्टेज पर। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार रूपेश रमाकांत, रमाकांत ठाकुर सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आइए स्टेज की शोभा बढ़ाइए, आपको इस बार जोरदार अपील अपील को स्वीकार, विकेट का बटन उल्टा हुआ और यहां पर एक और झटका हुआ। निकेश ठाकुर जी आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागत है आपका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल। ज्ञानेश्वर मुकादम सर आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर, थोड़ा ग्राउंड पर दौड़ते हुए चले जाए, समय कम है, मैचेस की अगर बात करें तो आपको फिर अंधेरे में गेंदबाजी करनी होगी तो ये चीज ध्यान में रखें। स्कोर की अगर बात करें तो इस वक्त स्कोर तबाह हुआ, रुका हुआ लगभग 4 रनों पर, स्कोर 4 रनों पर दर्शाता हुआ। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार रूपेश अपने बॉलिंग मार्ग पर, इस बार करार किया डीप लॉन्गर बाउंड्री के बाहर, 6 रन, व्हाट अ हिट, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, 6 रनों के साथ और स्कोर को जा पहुंचा है इस वक्त 2 आंकड़ों में यानी 10 रन, एक ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन। चलिए आपको बल्लेबाजी करनी है, मेरे में बल्लेबाजी आएगी इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ताबड़तोप अपनी ओवर की समाप्ति करके ले, नंदू आपको नाइट में बैटिंग करनी है, ध्यान में रखें अंधेरे में गेंद नहीं दिखेगी तो प्लीज जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने ओवर की समाप्ति करें। कौन
नए गेंदबाज को लाया गया है दूसरे ओवर के लिए। चेतन ने इस प्रतियोगिता में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, सबसे ज्यादा विकेट टेकर गेंदबाज, सबसे अच्छी कैचेस लपकने में आगे अव्वल दर्जे पर इस वक्त नजर आते हुए, और बिल्कुल अच्छे गेंदे किस तरीके की करेगी ये देखने वाली बात जरूरी, क्योंकि इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक रूप में नजर आते हुए पंकज और संदीप इस वक्त विकेटों के बीच में नजर आते हुए सामना करने के लिए तैयार है पंकज और नॉन स्ट्राइक हैंड पर है संदीप। इस बीच ये गेंद इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, जगह बनाकर के निकल रहा है, गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, जब तक के गेंद को फेंक किया जाता है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चार रनों के लिए। ब्यूटीफुल स्ट्रोक का खूबसूरत स्ट्रोक के साथ आगाज हुआ और इस चार रन के साथ स्कोर ने लगाई छलांग, स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पर। तू कब आए था उधर से? बिल्कुल हमारे ईशान मुकदम साहब को आशीर्वाद देने के लिए जन्मदिन के अवसर पर आज महिला मंडल भी उपस्थित हो चुकी है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मैम, आइए सुस्वागतम बटे ट्रॉफी 2018 में आप सभी का सुस्वागतम, हार्दिक हार्दिक स्वागत। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर, किसी बीच ये गेंद इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, भूल करने का प्रयास, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई, जब तक के गेंद को ट्वीट किया जाता है, दो रनों की दौड़ जरूर लगी है, तीसरे रन की तैयारी हो चुकी है, तीसरा रन लेना चाह रहे हैं और तीन रन मुकम्मल किए दोनों ही बल्लेबाजों ने, रनिंग मिडिल में विकेट बहुत ही बढ़िया रही, अच्छी सूझबूझ के साथ बल्लेबाज जरूर देखने मिले, और स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ जा पहुंचा है लगभग 16 रनों पर। प्रवीण पाटिल साहब उनकी तरफ से 17 रन दर्शाता हुआ। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, ललचाती हुई डिलीवरी थी, सफल होकर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद बचा हुआ काम कीपर ने किया, विकेट का पतन होता हुआ और सफलता यहां पर जाती हुई सीधे सीधे मुख्य अतिथि उपस्थित है, महिला मंडल उपस्थित है, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं सुशांत मुकादम के जन्मदिन के अवसर पर, आप सभी ने अपना प्यार इसलिए और आपके आशीर्वाद की ज्यादा जरूरत है, बिल्कुल सुशांत मुकादम जी को किसी तरीके से आप प्यार करते हैं और आपका आशीर्वाद किसी तरीके से उन पर रहे चाहेंगे। तो चलते हैं फिर से एक बार मैच की तरफ रुख करेंगे, स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता है 18 रन हो चुके हैं, दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, दो गेंदे अभी भी आना बाकी है, सामना करने के लिए तैयार होते हुए पूरी तरीके से बल्लेबाज पंकज, इस बार इस टाइमिंग स्ट्रोक का गेंद के नीचे नंदू, कोई गलती नहीं, आसान सा कैच, विकेट का पतन होता हुआ। हेलो आगे बोलो, हेलो लास्ट गेंद इस ओवर की आना शेष है 17 था, न्यू बैट्समैन प्लीज थोड़ा दौड़ते हुए जाए, प्लीज बी फास्ट, देखिए एक गेंद बची है जिसके बाद बल्लेबाजी भी करनी है, और स्कोर की अगर बात करें तो इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ लगभग 18 रन, एक गेंद अभी भी शेष, सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज सूरज। वैभव होल्ड सर आपसे रिक्वेस्ट है आप स्टेज पर आइए, इस बार ये गेंद बहुत ही बढ़िया ललचाती हुई गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद आउट के रूप में, वैभव होल्ड सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपको स्टेज पर आना है, सुस्वागतम आपका भी हार्दिक स्वागत बड़े ट्रॉफी 2018 सुशांत मुकादम जी के जन्मदिन के अवसर पर यह टूर्नामेंट रखा गया है, तो प्लीज आप भी आइए हमारे वीआईपी डाइस की शोभा बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं आन बान शान की ट्रॉफी, इस प्रतियोगिता में जितने भी लोगों ने हमें सपोर्ट किया सहयोग किया हम उनका धन्यवाद करते हैं, वैभव भोयर जिन्होंने टी शर्ट के लिए हमें सपोर्ट किया, स्पॉन्सरशिप दी, निखिल ठाकुर जी जिन्होंने ट्रॉफी के लिए हमें सपोर्ट किया, साथ ही साथ मोहित पाटिल, अक्षय पाटिल, कौशिक पाटिल, रत्नाकर भोयर,
सतीश पाटिल, प्रदीप पाटिल, संदेश भोये, मनीष पाटिल, संतोष भोये, संदीप भोये, इन सभी का हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें सपोर्ट किया। और हमारे बीच यहाँ पर रवि आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है बर्थडे ट्रॉफी 2018 में, आपका दिल की गहराइयों से वेलकम सुस्वागत दीवा, दिस इज ऑफिशियल कॉल फॉर यू। नहीं तो 5 रन की डायरेक्ट पेनल्टी है, आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट 5 रन यहाँ पर माइनस किए जाएंगे। अरे आपको बैटिंग सजानी है, आपको थोड़ा सोचना है प्लीज, ऐसा ना करें। बैट्समैन पहले पहुंच गए, आपको बात सम्मान चिन्ह लेकर और साथ ही साथ सर का हम स्वागत और सत्कार जरूर कर रहे हैं। धन्यवाद सर, आपने जिस तरीके से जो प्यार जताया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बर्थडे के अवसर पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। फटाफट करें లైవ్ ఇలాడు లైవ్లో వాటిలో కూడా కంటిన్యూ పైసే सतीश पटेल आप भी आइए प्लीज स्टेज पर, अभय मुकादम सर आप भी आइए स्टेज पर प्लीज, सुस्वागत है। एक बार चलते हैं दोनों के साथ, यहाँ पर खाता जरूर खुला है, आप लोगों का किसी तरीके से प्यार मुकादम के साथ रहे हम आशा और उम्मीद जरूर करेंगे। इस बार ये चतुराई भरा श्लोक और यहाँ पर खड़ा फील्डिंग, दो लेन लावा तो आएगी, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत बढ़िया, चतुराई भरे बल्लेबाजी, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी और स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 4 रनों पर। जीत के लिए 19 रनों की जरूरत है और 19 रन किस तरीके से बनाने हैं ये चीज को पूरी तरीके से प्रूफ करते हुए संदीप भोयर जी आइए। संदीप भोयर ट्रिपल एस डीजे, थोड़ा सा काम है आपसे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको हमें हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास आना है। संदीप भोयर स्टेज पे थोड़ा सा काम है, लाइट ऑन करनी है, तो प्लीज आपका कोई मेंबर हो तो प्लीज भेजते हैं यहाँ पर और आप भी अपनी उपस्थिति यहाँ पर दाखिल कराएं प्लीज। चलिए इस बार फील्डिंग में थोड़ी सी फेरबदल, थोड़ी सी अटैकिंग फील्डिंग लगाई गई है रनों को रोकने के लिए, लेकिन ये बल्लेबाजों को रोकना इस वक्त मुश्किल नजर आता हुआ क्योंकि चेतन और न्यान रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बढ़िया है, इनकी काफी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट के माध्यम से 2 रन चुराने में सक्षम और कामयाब जरूर रहे। अब 10 गेंदें शेष है और 10 गेंदों में जीत के लिए 15 रनों की जरूरत, 10-15 का समीकरण इस वक्त आता हुआ। गेंद और रनों की बात करें तो 5 रनों का अंतर, 5 का फासला इस वक्त नजर आता हुआ। इस बीच सागर की अगली गेंद, इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की ओर, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। एक रन जरूर मिला है, 5 रन हो चुके हैं, जीत के लिए 14 रनों की और जरूरत। इस मैच में रोमांच आहिस्ते आहिस्ते प्रवेश करता है, गेंदें बची हैं लगभग 9 और 9 गेंदों में जीत के लिए इस वक्त जरूरत नजर आती हुई, करीब करीब जीत के लिए 14 रनों की दरकार, 9 गेंदें 14 रन।
इस बार कलाइयों का अच्छा उपयोग किया है नजाकत बरसात दूसरा फील्डिंग सुंदर सत्रों लेकिन रनिंग भी डूबने विकेट लाजवाब क्या बात है मानो जिस तरीके से जंगल में हिरन दौड़ता है उस तरीके से विकेटों के बीच में यहां पर दोनों ही बल्लेबाज दौड़ते हुए नजर आए क्या बेहतरीन रनिंग डूबने विकेट बिल्कुल बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स है चेतन की अगर बात करें साढ़े तीन चार चेतन और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं चतुराई भरी बल्लेबाजी इस वक्त आने बल्ले से खेलने का प्रयास गेंद जाती है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में वहां पर खिलाड़ी तैनात फील्डिंग और दो रन लेने लगा गया क्या बात है चतुराई जो कांधे होते हैं उसके ऊपर जो सर होता है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए दोनों ही बल्लेबाज स्कोर जा पहुंचा है 9 रनों पर गेंदें हो चुकी हैं लगभग 5 एक गेंद अभी भी आना शेष है और जीत के लिए रनों की जरूरत वो है 10 10 रन 7 गेंदें 10 रन नजदीकी है बिल्कुल दूरियां अब नजदीकियों में तब्दील होती हुई एक बड़ा स्ट्रोक मैच की दशा और दिशा चेंज कर सकता है लेकिन चतुराई की काबिले तारीफ रही इस वक्त वापिल की टीम डायरेक्ट ओपन मैच ना इस बार आने वाले से खेलने का प्रयास चौका गेंद डीप बाउंड्री के क्षेत्र में फेंकी गई लेकिन दो रन मिलेगा जरूर चौका होता है इस रन के साथ स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 11 रन अब बची हुई 6 गेंदें शेष हैं और 6 गेंदों में जीत के लिए 8 रनों की जरूरत 6 गेंदें 8 रन दोनों ही टीमें 50% मैच में अभी भी कवर बनाए हुए हैं अगर यहाँ पर जीत हासिल करती है गुड बॉय टीवनी टीम तो उन्हें इनामी राशि पाटिल और प्रवीण पाटिल टीवनी दीवा के जो निवासी है उनकी तरफ से पकड़ा इन्हें पूरा दिया जाएगा वापिल अगर जीत हासिल करती है तो इन्हें 8-5 साल की ट्रॉफी और बेहतरीन इनामी राशि जरूर दी जाएगी तो क्या होगा क्या नहीं देखते हैं 6 गेंदों का अभी भी खेल बाकी है पिक्चर अभी भी बाकी है यही कहा जाएगा क्योंकि 6 गेंदों में फैसला होगा कि कौन सी टीम है जो जीत अपने नाम करेगी चलिए समय के मामले में थोड़ा सा सपोर्ट करें क्योंकि आपको ही गेंद बल्लेबाजी करनी है तो गेंद आपको नहीं दिखेगी तो इसलिए थोड़ा सा समय के मामले में आपको भी सोच समझ कर परफॉर्मेंस करना है टाइम कम है और मैच यहाँ पर कंप्लीट करना है ध्यान काफी अच्छे फॉर्म में है आज पूरे दिन में 40+ या फिर आज के दिन के हाफ के मैचेस हो ये 15 सुबह से खेल रहे हैं मैं तारीफ करूंगा इसके स्टैमिने की इसकी कैपेसिटी की लाजवाब परफॉर्मेंस बेहतरीन परफॉर्मेंस इस बीच ये गेम पक्की हुई गेंद पुल करने का प्रयास खेल दिया विराट के क्षेत्र में एक रन तेजी के साथ पूरा गेम दूसरे हिल नहीं पाते और यहाँ पर 2 रन पूरे किए 2 रन यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने मुकम्मल किए और इस 2 रन के साथ जाया पहुंचा है लगभग 13 रनों पर जीत के लिए 5 गेंदें शेष और रनों की अगर बात करें तो लगभग 6 रन 5 गेंदें 6 रन अरे टकरा मारते कैमरा को लागल 5 गेंदें 6 रन मैच अभी भी दोनों ही टीमों के पक्ष में 5 गेंदें 6 रन इस बीच ये गेंद इस बार बड़ा एक कमी का प्रयास जाती हुई टीम लॉन्ग के क्षेत्र में दो रनों के लिए दौड़ लगी कामयाबी बल्लेबाजों के हाथ लगती हुई और 2 रन मुकम्मल किए न्यान की अगर बात करें तो न्यान की यहाँ से मेरे ख्याल से चार्जिंग खत्म हो चुकी है क्योंकि काफी हालत खराब है सुबह से खेल रहे हैं सुबह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं इतना स्टैमिना रखना जरूरी होता है लेकिन तारीफ करनी होगी क्या रनिंग बिटवीन द विकेट चेतन की अगर बात करें तो चेतन तो मानिए जिस तरीके से मस्के में छुरी चलती है उस तरीके से दौड़ लगा क्या बेहतरीन रनिंग
बिटे जाके लेकिन न्यान ने अगर बात करें तो न्यान थके हुए से नजर आ रहे हैं और मैच का सिचुएशन देखिए चार के लिए चार है मुकाबला तीन गेंदों में तीन रन की जरूरत है। अगर इस वक्त एक आधा गेंद टॉप हो गई तो फिर दबाव में आ सकती है ये टीम। तीन गेंदे तीन रन की जरूरत, तीन गेंदों में तीन रनों की दरकार, क्या होगा क्या नहीं। एक गेंद अगर ड्रॉप होती है तो टेंशन, अगर एक बड़ा हिट लगता है तो मैच की समाप्ति। तीन गेंदे तीन रन, टेंशन से भरा मुकाबला, ग्राउंड पूरी तरीके से शांत नजर आता हुआ। क्या जीत वापिल की होगी या फिर यहाँ पर गुड बॉय केवनी दीवा इस आसमान शान के ट्रॉफी को ले जाएगी। मैच अभी भी जारी है, एक बेहतरीन मुकाबला जारी है, दोनों ही टीमें पूरी तरीके से जूझती हुई। इस बीच ये गेंद जोरदार अपील, एक रन की जरूरत है इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। वाकबिल एक कदम दूर, दो गेंदों में एक रन की दरकार, एक रन की जरूरत इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। काफी बेहतरीन मुकाबला रहा, लेकिन छोटी छोटी गलतियां लगाने पड़ी। गुड बॉय के अपनी दीवा की टीम को एक रन की जरूरत। प्रेम बोलला मी नाही, तू बघ त्यांची त्याने सांगितलं सगळं बघतात। जा मग तुझा ए नवा, ए नवा तू बॉल दे, बॉल माझ्याकडे फेक, बॉल नवा बॉल माझ्याकडे फेक, तू वर्षा चला रे, 5 धावा